कैनेडी किंगडम। आई विश कि इंडिया के हिस्ट्री बुक्स में इसका एटलीस्ट मेंशन तो आता। विजयनगर साम्राज्य के खत्म होने के बाद प्रेजेंट डे कर्नाटका इस किंगडम के अंडर आता था। नायका ऑफ केलदी, जिन्होंने इस क्षेत्र में 250 साल से ज्यादा राज किया। तो आज हम इसी किंगडम की एक रानी केलदी चेन्नम्मा के बारे में जानेंगे। ध्यान रहे, इन्हें कित्तूर रानी चेन्नम्मा से कंफ्यूज ना किया जाए, जो इसी एरिया में कुछ 100 साल के बाद आई थी। स्त्री अगर सुंदर हो, सुशील हो, मोती जैसी आंखें हो, घुंघराले बाल हो, तो बॉलीवुड की माने तो उसकी शादी करा के उसे चूल्हा चौका कराना चाहिए। यही स्टीरियोटाइप बना के रखा है। पर भारतीय इतिहास इतना रिच है कि वो आज का हर स्टीरियोटाइप तोड़ने की सक्षमता रखता है। लेट्स फाइंड आउट मोर। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। 1667 CE में केलदी के राजा सोमशेखर नायका का विवाह हुआ कुंदापुर के एक व्यापारी की बेटी चेन्नम्मा से। शादी के बाद से ही पता नहीं क्यों रानी चेन्नम्मा ने युद्ध कौशल और राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्हें पता था कि शीघ्र ही उनको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। उन्होंने वॉरफेयर, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक सब सीखा और उनके राज्य में प्रमोट किया। पीपल अराउंड द किंगडम एंड द मिनिस्टर्स स्टार्टेड लुकिंग अप टू हर फॉर एडवाइस। प्रजा में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। बट 1677 CE में राजा सोमशेखर का देहांत हो गया। बाद में पता चला कि उनके मृत्यु का कारण था ब्लैक मैजिक, जो उन्हीं के दरबार में दरबार की डांसर के पिता भरामे माउता ने करवाया था। एक और उदाहरण हमारे इतिहास में जो बताता है कि बाहरी दुश्मनों से ज्यादा घर के भेड़ियों पर ध्यान रखना चाहिए। कोई पुत्र न होना और राजा की मृत्यु के बाद उनके ही राज्य में और उनके पड़ोसी राज्यों की नजर थी केलदी के सिंहासन पर। पर रानी चेन्नम्मा ने बसप्पा नायका को गोद लिया और खुद ही शासन संभालना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने मंत्रालय में सिर्फ विश्वसनीय मंत्रियों को ही रखा और बाकियों को निकाल दिया, और साथ ही उन्होंने बसप्पा को ट्रेन करना भी शुरू कर दिया था। सिर्फ इस एक इंसिडेंट से आज की युवा न जाने क्या क्या सीख ले सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट, विजनरी लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इत्यादि। राजा को मार के ही नहीं रुका भरामे। उसकी स्कीमिंग का पता चलते ही वो बीजापुर भाग गया और वहां के सुल्तान के साथ मिलकर केलदी पर अटैक करने का प्लान बनाने लगा। बीजापुर से एक विशाल सेना निकली केलदी पर अटैक करने के लिए। इसकी सूचना मिलते ही रानी ने सोचा कि वो तो अभी तैयार है नहीं युद्ध के लिए, तो उन्होंने वो किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने बीजापुर सेना के केलदी राजधानी दुधनूर पहुंचने से पहले पूरी राजधानी को शिफ्ट करा लिया भुवनगिरी फोर्ट में। मतलब कुछ ही दिनों के समय में पूरी राजधानी शिफ्ट कर ली गई। और चूंकि भुवनगिरी स्थित था एक घने जंगल में, बीजापुरी सेना को वहां पे लड़ने में बहुत मुश्किल होने वाली थी। और भुवनगिरी के रास्ते में उनका सामना हुआ केलदी के सेना से और उन्हें पूरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। मैसूर किंगडम के राजा चिक्कदेवराय वडियर ने भी यही गलती करी। उन्होंने भी यही सोचा कि राजा की मृत्यु के बाद केलदी पर कब्जा करना बहुत आसान होगा। इसी गलतफहमी में उन्होंने केलदी पर 3 बार अटैक किया, जिसमें से पहली और तीसरी बार वो बुरी तरह से हार गए। इससे इनको रानी चेन्नम्मा की शक्ति का आभास हुआ और उन्होंने उनके साथ मित्रता संधि कर ली। 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी राजे की मृत्यु हुई और 12 मार्च को राजाराम राजे भोसले को रायगढ़ में मराठा एम्पायर का चीफ बना दिया गया। पर मुगल से युद्ध करते हुए राजाराम को बच के निकलना पड़ा और उनको निकल के जाना था झिंझी फोर्ट, जो तमिलनाडु में स्थित है। सेफ्टी और फोर्टिफिकेशन के हिसाब से सबसे सेफ फोर्ट था वो झिंझी फोर्ट। राजाराम वहां जाना चाहते थे ताकि वहां जाके वो आगे की योजना बना सके। इसी प्रवास के दौरान रानी चेन्नम्मा ने उनको शरण दी, जिसके कारण औरंगजेब ने केलदी पर अटैक कर दिया। रानी चेन्नम्मा को पता था कि राजाराम राजे को शरण दी तो औरंगजेब की सेना जरूर अटैक करेगी, पर उन्हें ये भी पता था कि क्या सही है और क्या गलत। केलदी के साथ युद्ध में मुगल की हार निश्चित होने लगी। तभी औरंगजेब के बेटे अजामत खरा ने रानी चेन्नम्मा से शांति संधि की मांग की। अजामत एक स्त्री से अपनी पराजय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, परंतु और कोई चारा भी नहीं था उसके पास। रानी चेन्नम्मा ने शांति संधि स्वीकार कर ली, ये सोच के कि अजामत अपने वचन पर बाध्य रहेगा। और मुझे लगता है कि भारत के राजाओं ने ये गलतियां अनगिनत बार करी है। हम युद्ध भी धर्म के अनुसार लड़ते हैं और बहुत ही सरलता से एक आक्रांता के दिए हुए वचन को मानकर उन्हें छोड़ देते हैं।
महमूद गोरी का तो उदाहरण सभी को पता है। अब तक हमने नायकी देवी, रामप्यारी गुर्जर, रानी कर्णवती और कैदी रानी चन्नम्मा के बारे में सुना। अगले एपिसोड में हम जानेंगे महारानी ताराबाई भोसले के बारे में। हमें आशा है कि इन महान रानियों की कहानियां घर घर में बच्चों को सुनाई और सिखाई जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रानियों की कहानियों से हमने क्या सीख ली, इन बातों का ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।